हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिए गए, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया 2023 का। इसकी वैकेंसी की बात करें तो 7,547 वैकेंसी है कांस्टेबल की, मेल और फीमेल की वैकेंसी काउंट करके। इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया वो है 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। और इसकी बात करें जो किसके एग्जाम के जो कंडक्टिंग बॉडी कौन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होने वाला है। पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, मेल और फीमेल का है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा पीई और एमटी के थ्रू। सैलरी है 21,700 to 69,100, पे लेवल 3। जॉब का जो लोकेशन है वो दिल्ली एनसीआर है। ऑफिशियल वेबसाइट है dillipolice.gov.in। अभी सबसे पहले इसके एग्जाम के डेट्स की बात करें, इनका जो एग्जाम्स का डेट कंडक्ट करने वाले हैं वो 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट होंगे। 1st, 4th, 5th के दिसंबर को 2023 को इसके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इनका जो नोटिफिकेशन आया था 1 सितंबर 2023, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2023। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 और लास्ट डेट टू पेमेंट करने के लिए वो 30 सितंबर 2023। एडमिट कार्ड नवंबर को आने वाला और एग्जाम डेट के बारे में हमने आपको बता दिया है पूरा डिटेल में। वैकेंसीज की बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें, कांस्टेबल का जो मेल का जो वैकेंसी आउट हुआ है जनरल का वो 2,748, ईडब्ल्यूएस का 488, ओबीसी का 258, एससी का 717, एसटी का 242। टोटल जो वैकेंसी है वो है 4,453। कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है मेल के लिए एक सर्विसमैन जो इंक्लूड करते हैं बैकलॉग के थ्रू एससी और एसटी में, जनरल का जो वैकेंसी 153, ईडब्ल्यूएस का 27, ओबीसी का 15 वैकेंसी, एससी का 48, एसटी का 23, टोटल वैकेंसी 266। कांस्टेबल एक सर्विसमैन जो है जो पेरे 3.1 जो कमांडोज में है और जो बैकलॉग से बिलोंग करते हैं एससी एसटी में, उनकी वैकेंसी की बात करें तो जनरल का 152, ईडब्ल्यूएस का 27, ओबीसी 14, एससी का 107, एसटी का 37, टोटल 337 वैकेंसीज है। कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो इनकी जो वैकेंसी जनरल की वो 1502, ईडब्ल्यूएस का 268, ओबीसी का 142, एससी का 429, एसटी का 150, टोटल 2,491 वैकेंसीज है फीमेल की। ग्रैंड टोटल की बात करें तो जनरल की वैकेंसी है 4,555, ईडब्ल्यूएस का 810 वैकेंसी है, ओबीसी का 429, एससी का 1301, एसटी की वैकेंसी है 452, टोटल जो है 7,547 वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, 0 रुपीज है। फीमेल कैंडिडेट को भी 0 रुपीज पे करना है, पर जो अदर कैटेगरीज है उनको एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज पे करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो इंडियन है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वो नॉर्मली आपको 10+2 सीनियर सेकेंडरी बोले तो 12th क्लास आपको पास करना पड़ेगा और कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास कर सकते हो। अगर वो 11th पास है तो आपको नॉर्मली ब्रांड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच ड्राइवर एक्सेट्रा के उनको जॉब मिल जाती है दिल्ली पुलिस में। और अगर आप सन्स ऑफ सर्विंग डिक्रीज रिटायर्ड पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर भी जो जॉब है वो भी मिल जाती है आपको। इनके जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के एज की लिमिट है और जो आपको जो बोर्न अर्लियर है 2 जुलाई 1998 से पहले नहीं होनी चाहिए और लास्ट है 1 जुलाई 2005। अगर आपको 5 साल का बोलते हैं ना, 5 साल का आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी में, 5 साल का मिलता है स्टेट जो नेशनल लेवल के स्टेट जो लेवल है उनके लिए मिलता है जो स्पोर्ट्स में है, और बोले तो 40 ईयर का जो मिल जाता है एज लिमिट मिलता है, अपर एज लिमिट है। और जनरल कैटेगरी और यूआर कैटेगरी के लिए 43, ओबीसी के लिए 45 ईयर्स इन कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। फिर इसके सबसे पहले इनकी जो बात करें, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें तो उनका उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर LMB मोटरसाइकिल नहीं तो कार का फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल इन दिल्ली पुलिस एज द PEMT के लिए। लर्नर लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका नॉर्मली ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभी सबसे पहले इनकी बात करें PET रिक्वायरमेंट की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट की बात करें फॉर मेल और फीमेल का, मेल की जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और 165 सेंटीमीटर जो हील एरियाज है उनके लिए है। 81 to 85 मिनिमम सेंटीमीटर होना चाहिए जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन किया गया फॉर द हील एरियाज फॉर एसटी और मल्टीटास्किंग के लिए।
फीमेल की जो हाइट है मिनिमम होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए एज ए कैटेगरी, 155 सेंटीमीटर हील एरियाज के लिए है, 152 सेंटीमीटर डॉटर ऑफ रिटायर्ड और डिक्रीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। अब सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल एंड्योरेंस रिक्वायरमेंट की बात करें, उनके लिए नॉर्मल जो एज है और उनके रेस की बात करें तो रेस उनका 1600 मीटर का होता है और लॉन्ग जंप और हाई जंप किया जाता है। मेल्स के लिए अप टू 30 इयर्स के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर करना पड़ेगा, अगर आप 30-40 इयर्स है तो 7 मिनट में करना है, अबव 40 है तो 8 मिनट में करना है। अप टू 30 इयर्स है तो लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 39, अगर अबव 30-40 है तो जो लॉन्ग जंप होगा 13 फीट और हाई जंप 36, अबव 40 ईयर्स है तो लॉन्ग जंप होगा 12 फीट, हाई जंप होगा 33। फीमेल्स की बात करते हैं अप टू 30 ईयर्स में आपको 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना है, 10 फीट हाई लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप। अबव 30-40 ईयर्स है 9 मिनट में 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है, 9 फीट में लॉन्ग जंप, 29 है हाई जंप। अबव 40 ईयर्स में 10 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, 8 फीट लॉन्ग जंप और 26 है हाई जंप। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, सबसे पहले इनका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होता है, उसके बाद इनका फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट का टेस्ट किया जाता है, 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है उसके अगर क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनका जो टेस्ट किया जाता है फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट का टेस्ट लिया जाता है। एग्जाम के जो पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर जो आते हैं रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और करंट कंप्यूटर फंडामेंटल एमएस एक्सेल एमएस वर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वेब ब्राउजर एक्सेट्रा के बारे में पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स टोटल जो होते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसके अंदर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं, आपको टाइम मिलता है 90 मिनट का टाइम मिलता है। इसके अंदर 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है और इसके जो इजी के जो क्वेश्चंस होते हैं 30% होते हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चन 50%, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन 20%। अभी जनरल कैटेगरी के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा 35% मार्क्स फॉर द कट ऑफ और एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो 30% मार्क्स आपको सर्विस स्कोर करना पड़ेगा और एक्स सर्विसमैन के लिए है 25% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग सिलेबस में नॉर्मल आपको क्या क्या पढ़ना है वर्बल और नॉन वर्बल में, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेशल फिजुलेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, एरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज में आएगा कोडिंग डिकोडिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो सिलेबस में आएगा वो एक नंबर सिस्टम, कंपटीशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंजुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो टाइम, टाइम वर्क एक्सेट्रा। जनरल जो करंट अफेयर में जो सिलेबस है उसके अंदर नॉर्मल आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा वो नॉर्मल आपको पढ़ना है जैसे इंडिया, स्पोर्ट, हिस्ट्री, इंडिया उसके नेबरिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको पढ़ना रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग के एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। एमएस एक्सेल में आपको एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला और एडिटिंग और फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, ईमेल का बेसिक, सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल, उसके फंक्शंस, इंटरनेट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वेब ब्राउजर इसके जो इंटरनेटिंग की जो सर्विस है वो आपको पता होनी चाहिए, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। और जनरल नॉलेज में आपको जो डेली के जो करंट अफेयर्स है आपको उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।